नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। जबलपुर जिले के तापमान में लगातार हो रही गिरावट के कारण सुबह की पाली में लगने वाले सभी स्कूलों का समय बदला गया है। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने आदेश जारी किया है कि सुबह की पाली में लगने वाले स्कूलों को 9 बजे से संचालित किया जाए। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने आदेश जारी किया है कि सुबह की पारी में लगने वाले शासकीय एवं अशासकीय शालाओं सहित तमाम स्कूलों को सुबह 9 बजे से या 9 बजे के बाद संचालित किया जाए, ताकि छात्र छात्राओं को परेशानी ना हो। जबलपुर जिले में लगातार गिरते तापमान को लेकर ये निर्णय लिया गया है। इस आदेश से सुबह की पाली में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के साथ अभिभावकों को राहत मिलेगी। मौसम के करवट बदलने और बारिश ने किसानों को चिंता में डाल दिया है। बारिश से खुले आसमान के नीचे पड़ी किसानों की धान की फसल प्रभावित हुई है। इस बीच जिले में 1 दिसंबर से धान खरीदी का कार्य शुरू हो रहा है। हालांकि अब तक धान खरीदी केंद्र पूरी तरह से निर्धारित नहीं किए गए हैं। बेमौसम हुई बारिश से किसानों की चिंता बढ़ गई है। बारिश के कारण खुले आसमान के नीचे रखी किसानों की धान प्रभावित हुई है। इधर 1 दिसंबर शुक्रवार से जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने 1 दिसंबर से धान खरीदी कार्य शुरू होने की पुष्टि की है। हालांकि अब भी पूरी तरह से खरीदी केंद्रों का निर्धारण नहीं हो सका है। ऐसे में किसान दुविधा में हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी किसानों को सुविधाएं उपलब्ध कराने का दावा कर रहे हैं। तो कल से उसका शुभारंभ हो जाएगा धान खरीदी का। तो अभी धान तो आई नहीं है बेरासों में, अगर आना शुरू होगी तो कल से खरीदी होगी। लगभग कितने केंद्र बनाए गए हैं सर? केंद्र का 57-58 समितियों के केंद्र बनाए जा रहे हैं अभी। और जैसे पिछली बैठक में कलेक्टर साहब के निर्देश थे कि समितियों में 2-2 केंद्र, एक एक समिति को 2-2 केंद्र संचालित करने के लिए दिया जा सकता है, अगर उनके पास भौतिक रूप से संसाधन उपलब्ध है तो। तो अभी केंद्रों का निर्धारण होना बाकी है, अभी पूरे केंद्र बने नहीं हैं। इसके लिए सर त्रिपाल वगैरह की कुछ व्यवस्थाएं वहाँ किस तरह की? हाँ, गोदाम स्तर पर होती है, व्यवस्थाएँ तो रहती है, त्रिपाल वगैरह, और गोदाम स्तर पर खरीदी होगी तो कोई दिक्कत रहती नहीं है। किसान एक तरफ खरीदी केंद्रों को लेकर असमंजस में हैं, तो वहीं बारदाने सहित व्यवस्थाओं को लेकर भी चिंतित हैं। शहर की यातायात व्यवस्था भले ही बेपटरी हो रही हो और सड़कों चौराहों पर अतिक्रमण के कारण यातायात प्रभावित हो रहा हो, लेकिन यातायात विभाग लगातार सड़कों और चौराहों पर चालानी कार्रवाई में व्यस्त है। सुबह हो या फिर शाम, दोनों ही पहर चालानी कार्रवाई की जा रही है और वाहन चालकों के चालान काटे जा रहे हैं। शहर की सड़कों और चौराहों पर यातायात व्यवस्था भले ही बेपटरी हो रही हो, लेकिन पुलिस और यातायात विभाग का अमला चालानी कार्रवाई में व्यस्त है। सुबह हो या शाम, शहर की सड़कों और चौराहों पर चेकिंग का कार्य किया जा रहा है। पुलिस और यातायात विभाग का फोकस हेलमेट और सीट बेल्ट ना लगाने वाले वाहन चालकों पर है, जिनके चालान काटे जा रहे हैं। हेलमेट की कार्रवाई और बिना सीट बेल्ट की कार्रवाई पर विशेष जोर दिया जा रहा है। उसी के निर्देशन में वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशानुसार हर चौराहे चौराहे पर चालानी कार्रवाई की जा रही है और समझाइश दी जा रही है कि हेलमेट लगाएं और सीट बेल्ट लगाएं, तथा इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में हम लोगों द्वारा पंपलेट भी गाड़ियों में, धर्मशालाओं में, शालाओं में चिपकाए गए हैं। यातायात विभाग और पुलिस की चालानी कार्रवाई से नियमों का पालन ना करने वाले वाहन चालकों में हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन आम लोगों में सड़कों और चौराहों पर काबिज अतिक्रमणों और यातायात जाम को लेकर नाराजगी है। आधारताल से शोभापुर की ओर जाने वाले मार्ग पर सड़क किनारे लगने वाला सब्जी बाजार यातायात को प्रभावित कर रहा है। सड़क के दोनों ओर सब्जी विक्रेताओं और ठेलों का जमावड़ा होने से जाम के हालात बन रहे हैं। ऐसे में लोगों को परेशानियां उठानी पड़ रही हैं।
आधारताल चौराहे से शोभापुर की ओर जाने वाले मार्ग पर लग रहा सब्जी मार्केट यातायात को प्रभावित कर रहा है। सब्जी मार्केट के कारण मार्ग के साथ ही आधारताल चौराहे तक जाम के हालात बन रहे हैं। शाम ढलते ही सड़क के दोनों ओर सब्जी विक्रेताओं के ठेले और दुकानें सज जाती हैं, जिससे सड़क पर चलना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्षेत्रीय लोगों ने प्रशासन से सब्जी मार्केट को स्थानांतरित करने की मांग की है। देखिए, ऐसा है कि आधारताल जो चौक है, सब्जी मंडी है, वहाँ से जो सब्जी वाले जो ठेले लगते हैं, उसके कारण शाम को 6:30-7 बजे की स्थिति ये रहती है कि जो रोड की चौड़ाई 30 फिट है, वो करीब 10 फिट रह जाती है, क्योंकि दोनों तरफ से जो है जो ठेले होते हैं वो ऑलमोस्ट रोड पे आ जाते हैं और गाड़ियाँ निकलती हैं दोनों तरफ से, जिससे किसी भी जो है खतरनाक गतिविधि हो सकती है, कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, कोई भी चोटिल हो सकता है। तो मेरा सबसे निवेदन है कि कृपा करके जो ये सब्जी मंडी है, इसे कहीं और शिफ्ट किया जाए। आधारताल से शोभापुर जाने वाला मार्ग बेहद व्यस्ततम मार्गों में शुमार है। इस मार्ग से भारी वाहनों की आवाजाही भी होती है, ऐसे में लोगों को हादसे का अंदेशा भी बना रहता है। सिविक सेंटर स्थित मॉल के चारों तरफ की सड़क पर वाहनों की अवैध पार्किंग हो रही है, जिसके कारण पूरे सिविक सेंटर की यातायात व्यवस्था चौपट है, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने हुए हैं। सिविक सेंटर स्थित मॉल में अंडरग्राउंड पार्किंग व्यवस्था है, उसके बावजूद सड़कों पर दोपहिया और चार पहिया वाहनों की पार्किंग कराई जा रही है, जिसके चलते सिविक सेंटर की यातायात व्यवस्था चौपट है, जाम लग जाता है, एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन नगर निगम का अन्य क्रांति विभाग और यातायात पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, जिसका खामियाजा जनता को भोगना पड़ता है। खास बात यह है कि सड़क और फुटपाथ पर दोपहिया वाहनों की पार्किंग कराकर वाहन चालकों से 20 से 50 रुपए तक वसूले जा रहे हैं, यानी सड़क और फुटपाथ नगर निगम का और वाहन स्टैंड चलाकर प्राइवेट ठेकेदार मालामाल हो रहा है। लोग दबी जुबान से ये भी कह रहे हैं कि इस गोरख धंधे में नगर निगम के भी कुछ अधिकारी शामिल हैं। और आइए अब डालते हैं एक नजर मौसम पर। मध्य प्रदेश में पिछले 5 दिनों से मौसम बदला हुआ है। राजधानी भोपाल सहित अन्य जिलों में बारिश का दौर जारी है। जबलपुर में भी शाम के वक्त बारिश हुई। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 1 दिसंबर को भी जबलपुर संभाग के जिलों में बारिश होगी। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आगामी 5 दिसंबर तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। उसके बाद आसमान के साफ होते ही तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और सर्दी अपना असर दिखाएगी। मध्य प्रदेश में पिछले 5 दिनों से मौसम बदला हुआ है। जबलपुर में देर शाम को बारिश हुई। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 1 दिसंबर और उसके आने वाले दिनों में मौसम ऐसा ही रहेगा। 5 दिसंबर के बाद मौसम के साफ होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि उत्तर पश्चिम राजस्थान के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, साथ ही अरब सागर से नमी भरी हवाएँ आ रही हैं, जिसके चलते बारिश का दौर जारी है। बंगाल की खाड़ी में भी नया सिस्टम एक्टिव हो रहा है, जिसका असर भी प्रदेश के मौसम पर पड़ा है। बीते 24 घंटों में दर्ज की गई बारिश के बाद जबलपुर में इस सीजन की बारिश का आंकड़ा 30.4 मिलीमीटर तक पहुंच गया है। उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि मौसम 6 दिसंबर से साफ होगा, जिसके बाद तापमान में गिरावट होगी और कोहरे का सामना भी करना पड़ेगा। रबी की फसलों के हिसाब से ये बारिश अच्छी मानी जा रही है, लेकिन धान की फसल को बारिश ने नुकसान पहुंचाया है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए बीटीवी न्यूज।